अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? यू आर वाचिंग माय होम रावी उमर व्लॉग। अगर आप लोगों के पास दो आलू और एक अंडा है तो आज आप भी हमारे साथ बनाइएगा आलू के स्नैक्स। ऐसे इजी स्नैक्स हैं जो 5 मिनट में आप रेडी होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ रहिए, ठीक है? अब मैंने आलू को छील के काट लिए और देखिएगा इसके मैंने क्यूब स्टाइल में काटे हैं और मैंने अब पानी चढ़ा दिया। पानी उबाइल होने वाला है तो हम इसमें आलू अपने डाल देंगे। आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ रखी है ताकि पानी को उबाइल आ जाए, ठीक है? तो आपने इसमें अब हम इसमें अपने आलू डालेंगे आराम से ज़रा। तो ये देखें, मैं आलू डाल रही हूँ और ये आलू उबल गए हमारे। अब आलू उबल गए हैं और मैं इसको स्टैंड करने जा रही हूँ। देखिएगा इसका पानी निकल रहा है, ये स्टेन हो चुके हैं, थोड़े से ये स्टेन हो रहे हैं। तो अब हमने इसमें आलू को ज़रा हमने ले लेना है और चम्मच के साथ हमने पुश करना है नीचे की तरफ और ये खुद ही ग्रेट होते जाएंगे और निकलते जाएंगे। देखिएगा इसमें कोई लम्स नहीं आएगा। ठीक है, इसको साथ दबाते रहें, ज़ोर से ज़रा दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ निकलना शुरू हो जाए। हम सारे आलूओं को इसी तरह करते रहेंगे जब तक के सारा ये मवाद हमारा नीचे की तरफ निकल ना आए। इसी दौरान आप हमें किन शहरों से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए नीचे कैसे निकलने लग गए आलू, देख ही लिया होगा। आप इसे अच्छे तरीके से मैश कीजिए। सारे आलू हमारे हो चुके हैं तो जी ये देखिए अच्छे से मैश हो रहे हैं, हो गए हैं। बल्कि ये देखिए मैं इसको इसका सारा मवाद निकाल लूँगी नीचे की तरफ और इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे हाथों का इस्तेमाल। जी ये हमारी हो गया। अब हमने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, अब इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और सारा सामान हम एक में ही पहले डाल के इसे बाइंड कर लेंगे, ठीक है? ताकि कोई होना, सारे मैंने घर वाले मसाले डाले हैं। ये लहसुन अदरक का पाउडर डाला मैंने, अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो वो डाल लीजिएगा, ठीक है? ये मैंने ओरिगैनो डाला है, देखिए अगर आपके पास है ठीक है, नहीं तो धनिया डाल दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें। देखिए इसके साथ ही हमने इसमें नमक मिर्च थोड़ी थोड़ी सी ऐड करना शुरू करनी है। देखिए 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाले और इसमें मैंने ज़ीरा डाली, हरी मिर्च डाली है 1/2 टीस्पून और साथ में ही मैंने थोड़ा सा इसमें मिर्च इसमें डालेंगे, हरा धनिया, सारे सादे मसाले डाले, घर के मसाले जाएंगे इसमें। कुछ हमने बाहर से नहीं डालना, ये कॉर्नफ्लोर है 2 चम्मच भर के मैंने डालना, 2 चम्मच भर के डालना है कॉर्नफ्लोर मैंने और ये 1 अंडा जाएगा इसमें, ठीक है? इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि
कोई लम्स ना रह जाए उसमें। इसी दौरान जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए हमने ये डो बनाई है रोजी पूरी, तो हमने इसे इस तरह से करना है। तो जी हमने ये रोल बना लेना अच्छे से, इसको रोल की तरह ठीक है सेपरेट कर लिया हमने। और अब हम इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे छुरी के साथ ही, इसको इवन कर लें। छोटे छोटे से हमने इसको रेक्टेंगल बस साथ साथ काट के काटते जाए। और अब मैंने ऑयल लगा लिया अपने हाथों पे, हाथों पे ऑयल लगा के देखिए इसको हम थोड़ा सा स्टाइल पे बना सकते हैं फॉक के साथ प्रेस करने से। अगर कोई आपसे सही हो रहा ठीक है, वरना वैसे भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं क्योंकि ये सादे भी अच्छे लगते हैं। इसको हाथ की मदद से ज़रा सा नीचे कर लें, आराम से कीजिएगा क्योंकि आलू उबले हुए होते हैं तो इसमें छीटों का भी डर होता है कि डल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमने सारा प्रोसीजर करते रहे, सारे डालने हैं वन बाय वन। कुछ के मैंने लगाए हैं कुछ के नहीं लगाए, तो इजीली ये फ्लिप हो रहे हैं। ये देखें मैं स्टिक ले लिए, गरम ऑयल हो। नेक्स्ट भी हम बना रहे हैं अच्छे से, इसको हला रही हूँ। थोड़ा सा इसको हाँ प्रेस करना है, हल्का सी प्रेस करना है, दबाना है ज़्यादा नहीं दबाना। जी फ्राई हो गए, बाहर निकालना वाले हैं आपको दिखाती हूँ। कुछ हो रहे हैं कुछ हो गए हैं, जो होते जा रहे हैं उसको बाहर निकालते जाएंगे। देखिए इसको डिशर्व करते हैं, देखिए इसको केचप के साथ सर्व कीजिए। कैसी रेसिपी लगी ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको चख के भी टेस्ट भी बताते हैं किस तरह से ये बने। देखें ऐसे जैसे बाज़ार से लेके आई हूँ। बच्चे भी मांगने लग गए। देखें अंदर से देखें कितने क्रिस्पी हैं। इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे, जैसे कुरकुरे स्टाइल में होगा वैसे बनेगा। ये सेकंड स्टेप है हमारा, फर्स्ट आपको आपने देख लिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चीज़ों का के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए छोटे छोटे से हमने उठा के इतने, जैसे ये समयों स्टाइल में भी होते हैं लेकिन ये कुरकुरे जो आजकल मिलते हैं ठीक है वैसे भी ये घर में होते हैं, घर में बना सकते हैं। वैसे तो कुरकुरे चावल के आटे से बनते हैं, किसी दिन वो भी बनाएंगे। आप ये ट्राई लास्ट में कीजिए। दो आलूओं के साथ देखें, आपके सामने मैंने दो आलू लिए थे और एक अंडा लिया है। अगर हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो हम ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। घर में कोई भी मेहमान आए
लेकिन मैंने कल मैंने बनाए, मैं आंटी आ गई साथ वाली, तो उन्होंने खाए, उनको बहुत ही मज़ा आया। वो मुझसे रेसिपी लेके गई हैं कि हम अपने घरों घर में बनाएंगे, आप हमें रेसिपी दीजिए। तो आप भी अपनी इसी रेसिपी के साथ अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, मज़े के बनते। ये देखें, इक्वल करना है हमने, कहीं से मोटा पतला ना हो, तो काटते जाएं डालते जाएं, बस बहुत इजी है, बस काटते जाना है और डालते जाना है। जितना लंबा आपने रखना है, जितना छोटा रखना है, वो आप पे डिपेंड रखता है। कितना पतला रखना है आपने, मज़े पतला कर सकते हैं, कर लें। आपने देखा ही होगा जो पापड़ बनते हैं या कुरकुरे वगैरह बनते हैं तो वो कितने बारीक होते हैं, तो उस तरह से बना लें, जिस तरह से भी आप चाहें। देखिए, है ना, कोई एक गुठली भी रह जाए तो वो फटक करके बाहर आ जाती है। बहुत हमें एहतियात के साथ, मेरा चूल्हा भी थोड़ा सा गिर गया था, चलें कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसे होता रहता है। तो ये देखिए, ऑयल के साथ काम करना बहुत मायने रखता है जी। हम इसको दोबारा भी फिर बना लेंगे, जैसे जैसे बचता जाए, जो जो मवाद बचता जाए वो दोबारा आप उठाएं, उसे दोबारा बनाएं, फिर से करें, बहुत इजी है। और जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए, सारी मैंने बना ली है, सारी रेडी हो चुकी है, तो बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे जल्दी से। स्किप भी गई है, ये देखिए, जैसे पापड़ या कुरकुरे वगैरह रेडी होते हैं वैसे ही रेडी हैं। आप खाइए और बच्चों को भी खिलाएं, तो यम्मी। ये देखिए इसकी क्रिस्पीनेस, देखिए ये देखिए कैसे टूट रही है, बस मेरे हाथों पे ज़रा सा वो लगा हुआ है, मैंने बनाना है तो मैं इसीलिए कर नहीं रही, लेकिन आप ज़रूर बनाइएगा अपने घरों में, हमें बताइएगा आपके कैसे बने। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हाँ मैंने सर्कल से एक बनाने स्टार्ट किए, रिंग बना रही हूँ मैं। मैंने पेज ले लिया था एक, उस पर उसकी मैंने उसको कटिंग करके मैंने ऐसे रिंग बना सकते हैं। दो तरीक़ों से बनाएंगे हम ये रिंग, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली, ठीक है। इसमें कोई ये देखें कुछ भी आ जाता है ना, अटकने नहीं आता है, जब देखें कहीं से कोई आलू वगैरह का कोई ज़र्रा होता है ना, फिर अटकने लग जाता है। तो ये देखिए, अब हम इसको एक एक करके ना ऑयल में डालेंगे, आराम से डालिएगा, ज़रा फटक से नहीं होए, इसको इसके साथ ही डाल देंगे, ये अच्छे से हो जाएगा तो ये खुद उतर आएगा, थोड़ा सा पक जाएगा। थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे,
ऐसे पैन में पकाना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखें दूसरा जो मेथड है, हमने इन डायरेक्टली इसके अंदर बनाने स्टार्ट किए हैं। देखें आंच को मैंने मीडियम टू हाई रखा है, ना इतनी वो है तेज है ना लो है। ये देखिए इसके रिंग बन के रेडी हो चुके हैं। हमारी सेकंड रेसिपी भी रेडी है, आप बताइएगा कैसे लग रही है। इसको आप केचप के साथ खाइए या चीज़ी सॉस के साथ खाइएगा अगर आपके पास ज़्यादा है। मैंने केचप ही रेडी की हुई है तो मैं इसी के साथ आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसमें से एक निकाल के दिखाती हूँ आप। देखें ये थर्ड रेसिपी हमारी सुपर बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है, यकीन मानिए। चलें मजे की है, बहुत मजे की। आप खुद भी बनाएं, अभी ट्राई करना, अपने घर वालों को भी खिलाएं। अब चौथी रेसिपी हम रेडी करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये वेजिटेबल्स मैंने कुछ ले ली हैं, चौथी रेसिपी भी हम वेजिटेबल इसमें डालेंगे। ठीक है, ये जो बचा हुआ मवा था ना, ये देख लें बचा हुआ है थोड़ा सा, थोड़े से आलू उसी में हम अब ये डालेंगे। ये मेरे पास बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर है जिसको मैं इसमें डाल रही हूँ। गाजर देखे मैंने छोटी बारीक बारीक करके काट के रखी हुई है, ऐसे शिमला मिर्च भी है तो इसको मैंने कटिंग कर दिया था, एक साइड पर करके रख दिया था। और ये धनिया है, तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको बाइंड करेंगे इन इस आलू के मुआद को, साथ ही हम इसको बाइंड करेंगे और इसको ऐसे फ्राई करेंगे जैसे पकोड़े स्टाइल में हमने वेजिटेबल पकोड़ा जो होता है ना उस स्टाइल में हमने बनाना है इसको। इसमें थोड़ी सी नमक और काली मिर्च हम थोड़ी सी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे ताकि इसका क्रिस्प इसकी जो है ना टेस्ट और बढ़ जाए। तो थोड़ा सा और बाइंड करें ताकि मिक्स हो जाइए। देखें ये देखें सो रहा है, और ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ। ये देखें कैसे वो गर्म है। और ये देखें आज अब वेजिटेबल जो है पकोड़े वो रेडी हो रहे हैं। एक आलू के साथ हमने कितने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए। आप भी अपने घरों में बनाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसे बने हैं आपके। ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने अजीज़ करीब के साथ शेयर कीजिएगा। और देखें कलर इसने चेंज कर लिया, अब हम इसको हिलाएंगे ज़रा। और देखें आंच देख लीजिए मीडियम टू हाई है, ये रेडी हो चुके हैं हमारे। अब हमें आपको ये देखें तोड़ के दिखाती हूँ। देखें गर्म बहुत है, आप खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने अजीज़ करीब के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा रिश्ता यूं ही जुड़ा रहे। तो मज़े मज़े के बने हैं, टेस्टी बने हैं। ओके फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।